बाबूजी आपसे एक चीज कह रहा हूँ, चढ़ गुंडों की छाती पे और मोहर लगेगी कमल पे, योगी आएंगे मोदी आएंगे। कोई गुंडा माफिया नहीं, गरीब आदमियों को मारा उसने मोदी योगी ने। चाचा गरीब आदमी मारे, गरीब आदमी मारे। जब सरकारी जमीन पे तुम कब्जा करोगे तो हटाओगे, वो किसी के बाप की नहीं है, वो सरकारी जमीन है। समाजवादी पार्टी बढ़िया करेगी उत्तर। समाजवादी पार्टी में सिर्फ भैंस घुलती है और लूट खसोटो तो कुछ नहीं होता। अब हो तो गया अयोध्या में रेप, हो गया ना, समाजवादी गुंडे ने करा है, दो समाजवादी को वोट। चमचा गिरी अखिलेश की करे वो मूर्ख कहलाए, और माँ मूर्ख वो चमचा है जो पप्पू के गुण गाए। इन्हें एक पे एक वाले केसरी वाल वाली स्कीम चाहिए, या हराम की पीने और हराम की खाने वाले। इन्हें 60 साल में बर्बाद नहीं हुआ, 10 साल में बर्बाद हो गए। अब इनकी पेंशन बंद हो गई। ये वो दोगले हिंदू हैं। हम खुशहाल मंगल है, हमारा कोई लूटा पिटा नहीं है। इस बुढ़ाऊ का जरूर लूट पिट गया, ये बर्बाद हो लिया 10 साल के अंदर। पाकिस्तान जैसे आटे के लिए मोहताज हुआ ना, ऐसे ही ये गठबंधन चोरों का ये भी मोहताज होगा, ठीक है? नहीं, ये एक साथ बेरोजगार होंगे। 2000 का सिलेंडर हो जाए, 2000 का सिलेंडर वो लाएंगे मोदी जी को। कभी यूपी में आओ जब आपको पता पड़ेगा, आओ यूपी में, हम कह रहे हैं खुला चैलेंज दे रहे हैं। टूट लिया और आप कह रहे जाकर कि मोदी सरकारी ईमानदारी से काम कर रही। कह रहे थे कि जो कांग्रेस है और इंडिया गठबंधन है वो सारे चोर मिले हुए हैं। इनको पता होना चाहिए कि नीतीश जैसे पलटू आदमी बीजेपी में है। लूट लिया मोदी ने सब कुछ। मेरे को इनका नहीं समझ आ रही, 70 साल में इनका क्या लूट गया? इनका क्या, देखो कवन में टांगे लटकी पड़ी हैं, ये लूट गए, बर्बाद हो गए, ये बेरोजगार हो गए 10 साल के अंदर। इससे पहले पत्नी, इससे पहले राहुल गांधी इनका पेट्रोल भरता था, मोदी जी ने भरना बंद कर दिया। ये आज एक बात बोलूं मैडम, आज मुसलमान से दिक्कत नहीं हमें, ना हमें सिख उससे ईसाई से दिक्कत है, ऐसे दोगले हिंदुओं से दिक्कत है। ये जो दोगले हिंदू खड़े हैं ना, इन दोगले हिंदुओं से दिक्कत है, ये दोगले हिंदुओं से दिक्कत है। इन्हें देश नहीं चाहिए, देसी बोतल चाहिए, वो वाले हिंदू है ये। इन्हें एक पे एक वाले केजरीवाल वाली स्कीम चाहिए, या हराम की पीने और हराम की खाने वाले। इन्हें 60 साल में बर्बाद नहीं हुआ, 10 साल में बर्बाद हो गए। अब इनकी पेंशन बंद हो गई। ये वो दोगले हिंदू हैं। कभी यूपी में आओ जब आपको पता पड़ेगा, आओ यूपी में, हम कह रहे हैं खुला चैलेंज दे रहे हैं। आओ यूपी में, पानी आपको फ्री, गैस आपको फ्री, आपको पैसे कुछ खरीद रहे हैं आप बताओ क्या है? बताओ आप यूपी में, बताओ क्या चीज है, आप बताओ अपने मन की बात। इनको फ्री में बस चाहिए, फ्री में भोजन चाहिए, मेहनत। आप चाह रहे प्रधानी का विधायकी का चुनाव हो, एक पौआ एक साड़ी आपके घर पे हो, लिफाफे में 500 का नोट रख के। जो योगी नाम का योगी है वो, उसका नाम है अजय सिंह बिष्ट। आप पहले तो आप नाम गलत बोल रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए दोगला, अच्छा आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, मैं आपका नाम पूछना चाह रहा हूँ, आपका नाम क्या है? करोड़ों जो है गरीबों का जो है निवाला छीन के खा गए, ये जो है इनकी, ये वो अंत में ये गति होगी जो हिंदुस्तान यह रखेगा जाकर। हम खुशहाल मंगल है, हमारा कोई लूटा पिटा नहीं है। इस बुढ़ाऊ का जरूर लूट पिट गया, ये बर्बाद हो लिया 10 साल के अंदर। हम तो 2 टाइम की रोटी और 1 टाइम का बढ़िया खा रहे पी रहे, बम ब्लास्ट नहीं हो रहे। इनके राज में पता क्या होता था, मिट्टी की तेल की लाइन, गैस की लाइन की पूरी लाइन लगती थी, ठीक है जी, टेलीफोन का बिजली का बिल कराने वो लाइन, मतलब कि टोटल इनके टाइम पे बम ब्लास्ट। ये उनमें कहता इनके घर का कोई मर जाए तो एक पेट्रोल पंप ले लो या सरकारी नौकरी ले लो। अब बम ब्लास्ट बंद हो गए तो पेट्रोल पंप मिलने बंद हो गए, चलिए बेचारा ये बेरोजगार हो गया, ठीक है? नहीं उनमें, और इन्हें कांग्रेस के राज में रोजगार मिला हुआ था। योगी की बुराई कर रहे हैं। नहीं नहीं सुनो, कांग्रेस के राज में एक मिनट भाई, कांग्रेस के राज में ना एक रोजगार मिला हुआ था, घर का एक मेंबर मर गया, 2 बंदों को सरकारी नौकरी दे दो, ठीक है जी। अब ये उसी में की गिनती में है हमारे। अगर देखो एक मैं बोलूँ, इतने बंदे ये खड़े, कोई बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार वही है जिसे सरकारी नौकरी चाहिए, और जो रोज कमाना खाता चाहता है उसके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। पार्टी तो लगातार ये मुद्दा उठा रही है उत्तर प्रदेश में रोजगार, बेलाती रहे ये साले, खुद बेरोजगार हो गए। एक मिनट, पाकिस्तान जैसे आटे के लिए मोहताज हुआ ना, ऐसे ही ये गठबंधन चोरों का ये भी मोहताज होगा, ठीक है? नहीं, ये एक साथ बेरोजगार होंगे।
जैसे पाकिस्तान बेरोजगार हुआ, ठीक है नहीं। ये वो दलाल थे, एक मिनट, ये वो दलाल थे कि इनके टाइम पे राशन सड़ता था, गरीब के पेट में नहीं जाता था, उल्ली लगती थी उस राशन के अंदर, गरीब के पेट में वो राशन नहीं उतरता था। ये उनमें के दलाल, ये वो दलाल है जो विधायक और एक निगम पार्षद की सीट के बाहर बैठते हैं, 500-500 रुपए आधार कार्ड बनवाने, पहचान पत्र बनवाने। ये वो दलाल है जिनके रोजगार बंद हुए, ये इसलिए। मैडम एक मिनट कर, इसे कर मिट्टी का तेल, अब तो मिट्टी का तेल मिल भी नहीं रहा है, कम से कम लाइन लगाने पे मिल तो जाता था। अब सिलेंडर का देख लीजिए, पहले 400 मिलता था, आज 900 में हुआ, पहले 2000 का सिलेंडर हो जाए, 2000 का सिलेंडर वो लाएंगे मोदी जी को, हम ये सिलेंडर और ये टिंडे पिंडे के लिए नहीं लाए मोदी जी को। भैया सिलेंडर 800 का हो गया, मेरी सुनो भैया, ओ भैया 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 सिलेंडर 800 का हो गया, गेहूँ 2300 रुपए किलो बिक रहा है, गेहूँ 2300 रुपए किलो है किसान का, 5 रुपए किलो गेहूँ बिकता था उस टाइम, 40 रुपए लीटर डीजल आता था, डीजल आता था 40 रुपए लीटर उस टाइम, 5 रुपए किलो गेहूँ बिकता था उस टाइम, डीजल 40 रुपए लीटर था, ठीक है मैडम। बात करो, तनख्वाह चाहिए 40,000 रुपए, ठीक है, सिलेंडर 1200 का नहीं होना चाहिए। हमने 600 रुपए की नौकरी करी है, तब हमने 180 रुपए सिलेंडर 400 रुपए खरीदा है, आज हम 30-40,000 रुपए कमा रहे हैं, तो क्या हम 1200 रुपए सिलेंडर खरीदने की औकात नहीं है? और पहली बात तो सीधी सी बात है, 2014 के बाद कोई माफिया, कोई गुंडा, कोई मवाली कहीं दिखाई दे रहा है? बता दीजिए, जो की मोदी की जब तक सरकार है तब तक कोई अगर माफिया घूम रहा हो तो बताइए, उसको अगले चौराहे पे इनकाउंटर कर दिया जा रहा है, ठीक है, कोई बहन बेटियों को अगर छेड़ रहा है तो। अयोध्या में रेप कर दिया समाजवादी पार्टी के नेता ने, उसके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि उसके खिलाफ बहुत बड़ी हद से टाइम पे नौकरी लगी किसकी, सारी यादवों की, पुलिस में भर्ती हुई यूपी की, सारे यादवों की कोई सरकारी नौकरी मिली, ये परिवार बार बन रहा था मैडम, जैसे इनकी खुद की जात बात का पता नहीं है, कोई क्रिश्चियन से शादी कर रहा है, कोई किससे, जाति बात की ये बातें करते हैं, तो मैडम ये चोरों का गठबंधन है। ये रत्नाथ ने कल सभा में कहा कि मैं कोई नौकरी करने नहीं आया हूँ, जो गलत करेगा वो भुगते, बिल्कुल सच्चे। मैडम एक मेरी बात बताओ, इन पे कोई 5 गज जगह है मोदी जी और योगी जी पे? 5 गज जगह भी नहीं है, और इनके विपक्ष के जितने भी ये चोर हैं उठाएगी रे, इनकी अगर चेकिंग करवाइए ना, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी निकलेगी। और ये जो कहते हैं ना हमारे बच्चे, इनके बच्चे पढ़ते हैं बाहर, यानी हिंदुस्तान में नहीं रहते, और जब इलेक्शन होता है तो कोई यूएसए से उठ के आ जाता है यहाँ लड़ने। कहते हैं कि यूपी से योगी जी बांट रहे उत्तर। सुनिए मैडम जी, जैसे कि समाजवादी पार्टी में केवल माफिया पलते हैं, समाजवादी पार्टी में जितने भी नेता हैं वो उसमें माफिया पलते हैं, जैसे आप बोली अभी अयोध्या में जितने भी माफिया हैं उनके खिलाफ बिल्डोजर चलाने की कार्रवाई करने वाले हैं। कल अभी सदन में आवाज़ उठाया गया इसके लिए, आप न्यूज के माध्यम से देखी होंगी, कल योगी बाबा ने क्या मतलब 1 करोड़ जो खटाखट गठबंधन वाली पार्टी बोल रही थी कि हम चुनाव के बाद खटाखट 1 लाख देंगे, वो 1 लाख कहाँ चले गए? 1 लाख हो चल, वो कहाँ चले गए? अब वो अलग के 1 लाख देना है, कांग्रेस कहाँ गई? कांग्रेस कहाँ चली गई? 1 लाख करूंगा एक विषय में, अभी आपने बोला, अरे सत्ता छोड़िए, अभी आपने सुनिए, अभी आपने ये बोला उत्तर प्रदेश जहाँ से जीते हैं तहाँ तो 1 लाख दें, आप ये कह रहे हैं जहाँ से वो जीते हैं वहाँ से 1 लाख दें, जहाँ से वो जीते हैं वहाँ से खटाखट जो बोल रहे थे कि हम 1 लाख रुपया देंगे महिलाओं को पीड़ित को दे। आपको उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं के ऊपर लगाम लगाई जा रही है? कोई गुंडा माफिया नहीं, गरीब आदमियों को मारा उसने मोदी योगी ने, उनके घर उजाड़े। सुनिए अभी एक निशान, एक मिनट चाचा, गरीब आदमी मारे जब सरकारी जमीन पे तुम कब्जा करोगे तो हटाओगे, वो किसी के बाप की नहीं है, वो सरकारी जमीन है, तुम्हारे घर पे मैं कब्जा करूंगा तो हटाओगे तुड़वाओगे, ठीक है, वो सरकारी जमीन थी, वो राम मंदिर बनवाया, जो राम मंदिर राम जी की जगह थी, वो दशरथ की जगह थी, वो ठीक है, वो गरीबों को हटा रहे हैं। अब गरीब एक बात बताओ, मैं आके यहाँ झोंपड़ी डालने लगूंगा तो मुझे हटाएगा नहीं कोई यहाँ से? कहाँ से गरीब है आदमी? मैं 500-1000 रुपए डेली कमा रहा हूँ, खुश हूँ भाई, मजे में हूँ, बढ़िया काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा काम है योगी जी का, कोई गलत काम नहीं है, और गलत उन्हें लग रहा है तो दोनों मरे काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बढ़िया करेगी उत्तर? समाजवादी पार्टी में सिवा भैंस घुलती है और लूट खसोट होती है, कुछ नहीं होता। अब हो तो गया अयोध्या में रेप, हो गया ना, समाजवादी गुंडे ने करा है, 2 समाजवादी को वोट, अब अभी तो रेप हो रहा है, घर से उठ कर जाएंगे, देखियो ये हाल होगा। अभी अयोध्या में समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे ने एक निषाद परिवार को बेरहमी से रेप किया गया, वीडियो बना के वायरल कर दिया गया, और उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो उसको संरक्षण दे रहे हैं, जो उसको छुपा रहे हैं, बचा रहे हैं, उसके खिलाफ
बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है और उसके खिलाफ बिल्डोजर भी चलेगा। और तो योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर उठता है कि योगी जी कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ गरीबों पे। योगी जी जब से एक्शन में आए हैं, तब से समाजवादी वाले एकदम जक्शन अपना बदल के चले गए हैं, एकदम कहीं जाके इधर उधर घूम रहे हैं। अगर लोकसभा चुनाव के बाद फूले नहीं समा रहा, वो कह रहा है इस बार तो पत्ता साफ कर देंगे। आपकी सपा सब एकदम सपा सट हो जाएगा, 2027 में एकदम समाजवादी का एकदम सर्वनाश एकदम खत्म हो जाएगा। मैं बाबूजी आपसे एक चीज कह रहा हूँ, चलगुंडों की छाती पे और मोहर लगेगी कमल पे, योगी आएंगे मोदी आएंगे। आप भाई और चारे की बात चल रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं। यहाँ सबको पता है भाई कौन है, चारा कौन है, चारा बन कौन रहा है, कीचड़ में ही दफन हो जाएगा आपकी बात चाह रहे हैं। प्रदेश उसने सबसे पहले राम मंदिर पे गोली चलवाया गया था, आज के बहुत साल पहले राम मंदिर पे 1992 में राम मंदिर पे गोली चलवाया गया था। आज हम लोग देखो ये भाई साहब कह रहे हैं यूपी में अखिलेश के साथ बहुत बुरा हो रहा है, चमचा गिरी अखिलेश की करे वो मूर्ख कहलाए, और माँ मूर्ख वो चमचा है जो पप्पू के गुण गाए। तो आज यहाँ दो लड़कों की जोड़ी चल रही है यूपी में, जब उनके 42 एमपी आ जाते हैं तो वहाँ एक परिवार की लड़की को उठा करके रेप किया जाता है, उसके साथ बुरा हाल किया जाता है और उनपे गुंडागर्दी से पेश आने का काम होता है। तो ऐसे ऐसे लोग जो दलाली करते हैं वे उनकी तारीफ करते हैं, तो नाम समाजवादी पार्टी वैसा गुंडों का संगठन, एक आतंकवाद संगठन, अतीक अहमद जैसे, मैं इसलिए कह रहा हूँ आतंकवाद संगठन, उसी सपा पार्टी को कह रहा हूँ मैं। तो आज इन लोगों का सफाया होना जा रहा, तो इनको अपने दिखाई दे रहा कि जितना तुम्हें फड़फड़ा लो, अभी आने वाले इलेक्शन में और 2 साल पड़ी यूपी में, इनका पत्ता साफ और ऐसो का मामला खत्म बिल्कुल। जिस नाबालिग लड़की का रेप करने वाले आरोपी के ऊपर सख्त एक्शन लेने की बात जो है वो मुख्यमंत्री ने कर दी, वो अयोध्या में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में होता है, अगले चौराहे पे यमराज से मुलाकात हो जाती है, वहाँ ऐसे नहीं चलता जैसे जिस तरीके से यहाँ दिल्ली में चल रहा, वायनाड में चल रहा, हिमाचल में चल रहा, ऐसे नहीं होता वहाँ तो एकदम एनकाउंटर, वहाँ ना तारीख ना डेट, सब साफा साफ होता है वहाँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया है, हमारे बगल में गोरखपुर है, संत कबीर नगर के हम निवासी हैं, हमारे बगल में आइए गोरखपुर कभी, संत कबीर नगर में आइए, देखिए चमना चमन हर एक जगह, हर एक जिला चमना चमन हो गया है। पहले जहाँ कहीं पे रामगढ़ ताल, जहाँ पे ताल मछली वगैरह थी, आज वहीं पे सब टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं देश विदेश से, हमारे गोरखपुर में सब लोग आ रहे हैं, शूटिंग करने आ रहे हैं, पिक्चर बनाने आ रहे हैं, और पहले जा रहे थे बाहर, जा रहे थे लखनऊ, जा रहे थे दिल्ली, जा रहे थे, अब हमारे गोरखपुर संत कबीर नगर सिद्धार्थ नगर बस्ती में हर एक चीज़ की व्यवस्था हो गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी की इतनी ज़्यादा और वो हो गया है कि हर एक जगह पे उनकी मांग है, बिल्डोजर बाबा की हर एक जगह मांग है, जहाँ कहीं पे जाते हैं उनका योगी बाबा नाम नहीं, बिल्डोजर बाबा नाम से पुकारा जाता है कि बिल्डोजर सिर्फ गरीबों के ऊपर चल रहा है। नहीं, ये गलत फहमी है, जो गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस वाले लोग हैं, सपा वाले लोग हैं, कि झूठा व्रीमन उड़ा करके सोचते हैं कि अपने पक्ष वालों को कैसे तोड़ा जाए, मिलोड़ा जाए, इसके वजह से वो लोग गलत निर्णय देते हैं और गलत संदेश भेजते हैं।